है एवरीवन, दिस इज मिता, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ग्लोई एंड कलरफुल सा होली मेकअप लुक। मुझे ये वाला मेकअप बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इस वाले मेकअप लुक के साथ आप कोई भी आउटफिट वेयर कर सकते हो, मतलब कोई भी ट्रेडिशनल आउटफिट वेयर कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे, मेरे ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब बटन के पास एक छोटू सा बेल आइकन है, उसको भी जरूर हिट कर देना। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो में मैंने जितने सारे भी प्रोडक्ट्स अप्लाई किए हैं, यूज़ किए हैं, वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप परचेस करना चाहो तो ज़रूर उसको भी परचेस कर सकते हो। तो बिना बकबक के चलते हैं वीडियो की ओर, तो देख लेते हैं कि कैसे मैंने ये वाला कलरफुल सा मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ ये है इनसाइट का प्राइमर, 3-in-1 ऑयल कंट्रोल प्राइमर। ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए बहुत अच्छा प्राइमर है ये। और समर्स आ गए हैं तो आपका स्किन तो ऑयली ऑयली लगता है, ये तो मेरे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। मेरा स्किन नॉर्मल है लेकिन सेंसिटिव है, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से लगा लिया है, प्राइम कर लिया है अपने फेस को। उसके बाद मैं NYB की कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, ये ऑरेंज कलर करेक्टर है। ये आपको 100 रुपीज़ के अंदर, 98 रुपीज़ में आपको अभी रिसेंटली अभी पर्पल पे सेल चल रहा है तो 98 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से छोटा सा एक ब्रश लेके मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। बस आपको धीरे धीरे इसको ब्लेंड करना है। और ये बहुत ही डार्कर ऑरेंजी शेड में था तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी ज़्यादा ही ऑरेंजी ऑरेंजी है ये। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पर्पल की ये फाउंडेशन। ये फाउंडेशन मेरे शेड से एक शेड लाइटर है शायद, इसीलिए ये उतना अच्छा, मतलब कवरेज तो बहुत अच्छा देता ही है लेकिन मेरे स्किन पे ये थोड़ा ज़्यादा ही मतलब हैवी हैवी सा दिखता है। तो मैंने इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया था, इसलिए मैंने एक ब्रश की मदद से लिया है, मैंने अपने हैंड्स पे नहीं लिया है, ब्रश की मदद से मैंने लिया है। और इसको अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया है। ईयर और नेक को बिल्कुल अवॉइड नहीं किया है मैंने, अच्छे तरीके से लगा लिया है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का ये कंसीलर है, और ये थोड़ा सा गोल्डन शेड में आता है, येलो येलो शेड में आता है। तो ये कंसीलर मुझे बहुत पसंद है इनसाइड का। 120 रुपीज़ है इसका प्राइस, 110 रुपये में आपको ये मिल जाता है, आप चाहे तो परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, उसके बाद ही मैं अपने आई मेकअप और आईब्रो ऐसा भी करने वाली हूँ, क्योंकि बेस को अच्छे तरीके से सेट करना, बेस को अच्छे तरीके से तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेकअप में। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। और आप हेयर लेंथ के साइड में ब्लेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ अपने मेकअप को, जो कि इसके स्टे कोकी की न्यूडी कॉम्पैक्ट है, बहुत अच्छा वाला कॉम्पैक्ट है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कैमलिन का ये आईब्रो पेंसिल, लाइट ब्राउन 03 शेड नंबर है इसका, बहुत अच्छा आईब्रो पेंसिल है। उसके बाद मैं आई मेकअप कर रही हूँ, एक आईज़ में मैंने पहले से ही कर लिया है, इस आईज़ में मैं दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने किया था। एक येलो ऑरेंजी शेड लिया था, शेड लेके अपने क्रीज़ को बस ब्लेंड 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 कर रही हूँ। आपको धीरे धीरे अपने क्रीज़ को ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से, और बहुत ही हल्के हाथों से आपको करना है। वीडियो का स्पीड बढ़ाया हुआ है इसलिए जल्दी जल्दी दिख रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्काई कलर लूँगी, बिल्कुल स्काई कलर आपको लेना है। और आपको बस नहीं, इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने आईज़ को क्रीज कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने हल्का सा वही फाउंडेशन लिया है, क्योंकि ये फाउंडेशन थोड़ा सा थिक एंड ड्राई फॉर्म में है तो ये बहुत अच्छा काम किया है इसमें। तो और छोटे से ब्रश की मदद से ही मैं इस फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है, और बहुत क्विकली ये एब्जॉर्ब हो जा, मतलब सूख जाता है, तो बहुत अच्छा है ये क्रीज का काम किया है यहाँ पर। उसके बाद मैं एक लाइट स्काई, लाइट नहीं सारी स्काई कलर लेके मैं अपने एकदम सेंटर आइज़ में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। आप ये थोड़ा सा पाउडरी शेड में है, थोड़ा हल्का सा, मतलब ज़्यादा क्रीमी भी नहीं है, ज़्यादा पाउडरी भी नहीं है। इसको जब हल्का 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 आपको करना है, लेना है स्काई कलर, और हल्का 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 आपको बस डैप करना है उसमें, आपको ब्लेंड और डैप, ब्लेंड और डैप, मतलब ऐसे क्रीज जैसे क्रीज में जैसे ब्लेंड करो वैसे ब्लेंड नहीं करना, बस डैप 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 करना है अच्छे तरीके से, आपको इसको ब्लेंड कर देना है। तो फिर से मैं थोड़ा सा क्रीज को ब्लेंड कर रही हूँ, क्रीज पे थोड़ा सा वही ऑरेंजी कलर लेके मैंने क्रीज को फिर से ब्लेंड किया है। अब मैं ले रही हूँ डार्क ब्लू कलर जो होता है, लेकिन इसका पिगमेंटेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है ये वाला पैलेट का, मैंने यहाँ पर स्विस वीटो का पैलेट यूज़ किया है। तो इसको मैं ऐसे तरीके से थोड़ा सा ब्लू शेड लेके मैंने इसको अपने जो आइज़ के कॉर्नर में होता है, एकदम
लास्ट में वहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्लेंड किया है इसको, और एक हल्का सा इफेक्ट आ रहा था ये। तो अब मैंने अपनी लाइनर लगा लिया है, जो मुझे लाइनर लगाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले से ऑफ कैमरा लगाया है। मैंने यहाँ पर पेन आईलाइनर यूज़ किया है, क्योंकि मुझे आईलाइनर लगाना आता नहीं है, इसलिए मैंने पेन लाइनर यूज़ करती हूँ। और मैंने यहाँ पर यूज़ किया था मेबलिन का पेन आईलाइनर, बहुत अच्छा आईलाइनर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप चाहे तो चेकआउट कर लेना। कर्ल कर लिया है मैंने अपने आईज़ को। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, जब जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, ये है ब्लू हेवन का मस्कारा, बहुत अच्छा मस्कारा लगता है मुझे ये। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ काजल, जो कि NYB का काजल है, और बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं इसको घिसी जा रही थी, घिसी जा रही थी, घिसी जा रही थी, घिस घिस के मैंने इसको लगा लिया है। छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं हूँ, पूरा पैसा वसूल करके लूँगी, इसलिए मैंने अच्छी तरीके से अपने आईज़ पे घिस लिया है इसको। हो जाएगा, इसके बाद भी एक बार दो बार चल भी जाएगा मेरे लिए। तो मैंने अच्छे तरीके से मोटा मोटा करके काजल लगा लिया, और इसको मैंने बिल्कुल भी स्मच नहीं किया है, मतलब ऐसे ही मैंने काजल इसको लगा लिया, नॉर्मली जैसे लगाते हैं। तो वही वाले पैलेट से मैं हल्का सा जो पीची कलर होता है, उसको मैंने एज अ कंटोरिंग यूज़ किया है। तो इसका पिगमेंटेशन, जैसे मैं बोल रही थी, इसका पिगमेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, हल्का लाइट वेट है इसका पिगमेंटेशन, तो मुझे थोड़ा दो बार तीन बार लेना पड़ता है, इसीलिए मैं इसको ले रही थी। और इसको ही मैंने एज अ कंटोर यूज़ किया है, और कंटोर ठीक ठाक, नॉर्मल ठीक ठाक हो भी गया था। तो इसको मैं अच्छे तरीके से अपने फेस पे, चिन के नीचे जो साइड होता है, उस पर अच्छे तरीके से मैं लगा के उसके बाद एक ब्रश से मैं ब्लेंड करने वाली हूँ। तो इसको मैं धीरे धीरे लगा रही हूँ इस छोटे से ब्रश ब्रश की मदद से। नोज़ के साइड में लगाने वाली हूँ नोज़ कंटूरिंग के लिए, और थोड़ा सा फोरहेड पे भी लगाऊंगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, हल्का सा मैं फोरहेड पे भी लगाऊंगी, फोरहेड कंटूरिंग के लिए। तो अब हम इसको कर लेंगे ब्लेंड, बस आपको ऊपर की तरफ करना है इसको, बस आपको जस्ट ऊपर की तरफ करना है। और इसका पिगमेंटेशन इतना कम है, इसको आप दो तीन बार ब्लेंड करो तो ये हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। और नोज़ को मैंने अपने फिंगर टिप से ही कर लिया था, फोरहेड पे ज़्यादा मैंने किया नहीं था, तो हल्का हल्का था, तो उसको भी मैंने ख़त्म कर लिया, फोरहेड को भी। तो ये कॉन्टोरिंग पार्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद अब हम करने वाले हैं ब्लश। तो मैंने यहाँ से ये पीची शेड लिया है, थोड़ा ऑरेंजी पीच कलर का ये शेड है, और बहुत अच्छा शेड लगा मुझे ये बिल्कुल भी ऑरेंज या रेड कलर नहीं है, पीची शेड है ये, और इसका पिगमेंटेशन मुझे अच्छा लगा। तो इसको मैं एक बार में, मैंने बस एक ही बार डैप किया, दो बार डैप किया था, और इतना सारा पिगमेंटेशन इसका आ गया। बस इसको मैं अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा लेके इसके बाद मैं इसको लगा रही हूँ, क्योंकि ताकि एक बार में एक जगह ज़्यादा ना लग जाए। मुझे लगा था कि ये ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं होगा, लेकिन ये पिगमेंटेड निकला, तो इसीलिए मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ धीरे 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 धीरे। और बहुत ही प्यारा ये शेड था, पीची शेड। तो यहाँ पर ब्लश का पार्ट भी ख़त्म हो गया है। अब मैं लगाने वाली हूँ ये, अब मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ, देखते हैं क्या लगाते हैं, मैं भूल गई हूँ। ओ, अब मैं यहाँ पर फाउंडेशन से मैंने जो कंटूरिंग किया था, उसको मैं थोड़ा सा डिफाइंड करने वाली हूँ, ताकि कंटूर अच्छा से दिखे, और अपने फोरहेड के आईब्रोज के ऊपर भी, आईब्रोज के ऊपर भी थोड़ा सा मैं इसको डिफाइंड करने वाली हूँ, ताकि मेरे आईब्रोज भी थोड़े अच्छे लगे दिखने में। तो ये छोटा सा ब्रश था ना, इस पर मैंने थोड़ा सा अमाउंट लिया था, तो एक ही साथ वो ब्लेंड भी हो जा रहा था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये हो गया, मैंने इसको ब्लेंड भी कर लिया है, लगा भी लिया है हल्का हल्का। तो इसको अब आईब्रोज के ऊपर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब जो साइड में है, जहाँ पर मैंने कंटूरिंग किया है, उसके जस्ट नीचे मैंने लगाया था, तो उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, ताकि जो कंटूरिंग है वो ज़्यादा अच्छा लगे दिखने में, डिफाइंड लगे, थोड़ा थोड़ा सा डिफाइंड लगे देखने में। तो ये मैंने कर लिया है ब्लेंड। उसके बाद थोड़ा सा पाउडर ले रही हूँ, और इसको सेट कर ले रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा और नेचुरल लगता है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ स्टिक को, क्योंकि ये लिप स्टिक बहुत ही अच्छे वाला लिपस्टिक है, पिंक कलर का, हॉट पिंक कलर है ये। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा लिंक, आप चाहो तो चेकआउट कर लेना। इसको मैंने लगा लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ। हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है NK कनिक हाइलाइटर, बहुत अच्छा हाइलाइटर है। उसके बाद मैंने एक झुमका लगाया, दुपट्टा लिया, बस मेरा फाइनल लुक है ये गाइज़।